अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल स्पून फुल ऑफ गुडनेस। में आज मैं तो नहीं, मेरी बेटी बनाने जा रही है चिकन कॉर्न सूप अखनौर वालों का। तो उसके लिए उसने पहले सबसे पहले जो है पतीली में पानी चढ़ाया है जो तकरीबन 300 ml है, तो उसको बॉयल करने के लिए उसने रख दिया है। आज का जो सूप है वो मेरी बेटी बनाएगी। सबसे पहले पानी में वो नूडल्स ऐड करेंगी और इसको पकने के लिए छोड़ देंगी। आज ये मेरी बेटी की पहली डिश है। मैं देखना चाह रही थी कि ये कैसे बनाती है, और इसने तोड़ के नहीं डाले बल्कि डाल के तोड़ रही है। पहले मैं ये स्वीट कॉर्न खोलूंगी क्योंकि उसने ये इसमें शामिल करना है। ये मीठी वाली कॉर्न है और बहुत अच्छी लगती है सूप वगैरह में, वैसे भी खाने में मज़े की लगती है। मैंने इसकी चाट भी बनाई हुई है और अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैंने हमेशा दिया होता है, तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। नूडल्स जो हैं हमारे तकरीबन जो हैं हो रहे हैं, अभी हुए नहीं। अब वो इसमें शामिल करेगी थोड़ा सा इसका मसाला, जो नूडल्स के अंदर मसाला ऐड होता है वही मसाला, और थोड़े से स्वीट कॉर्न। इसने हाफ टिन डाला है, अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब इसमें शामिल करने जा रही है वो सिरका। सिरका तकरीबन वो 1 tablespoon लेगी, और इसमें जाएगा चिली सॉस। चिली सॉस भी 1 tablespoon के बराबर इसने लिया। अच्छा जी, अब इसने हाफ कप के करीब थोड़ा सा वार्म पानी लिया है, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है लेकिन नॉर्मल सा है, थोड़ा सा गर्म है। तो इसमें हम शामिल करेंगे अपना पैकेट, जिनसे लम्स बनते हैं वो अपना पैकेट जो है ऐसे अलग से पानी में डाल के तो फिर उसमें शामिल करें। अगर आप एक साथ में गर्म उसमें डालेंगी तो हो सकता है आपसे जो है वो ना हो। मेरी बेटी ऐसे करती है लेकिन मैं डायरेक्ट जो है वो डाल देती हूँ। वो अच्छे से बीट कर रही है इसको ताकि लम्स ना बने इसमें। अब इसमें हम ऐड करेंगे एक एग। एग को जो है हम बीट कर देंगे इसी में। हमारे नूडल्स जो हैं वो बहुत अच्छे से तैयार हो चुके हैं, बल्कि पक चुके हैं। तो अब हम इसमें जो हमने अभी मिक्स किया था वो सब ऐड करेंगे। ऐड करते ही आप इसमें चम्मच चलाना शुरू कर दीजिएगा क्योंकि पानी इसका गर्म है, बॉयल हो चुका है और आपका सूप ये फौरन जो है रेडी हो जाएगा। सूपी नूडल्स बहुत अच्छे से तैयार हो चुके हैं। मैं इसमें थोड़ा सा वैसे चिली सॉस और शामिल करूंगी, थोड़ा सा बिल्कुल। इसकी देखें ना तो इतना पतला है और ना ये इतना गाढ़ा है। और अब मैं थोड़ा सा इसमें शामिल करूंगी ब्लैक पेपर, बिल्कुल थोड़ा सा शामिल कर रही हूँ मैं। ये बच
बच्चे खुद ही बना के दूसरे तीसरे दिन जो है वो खा लेते हैं जब भी उनको हल्की फुल्की भूख लगती है। तो ये नूडल्स फौरन तैयार हो जाते हैं और उनमें सूप डाल के तो सूप तैयार कर देते हैं बच्चे। मैंने फ्लेम को थोड़ा सा जो है तेज कर दिया था, बहुत उसने लो रखा हुआ था तो मैंने फ्लेम को थोड़ा सा हाई पे रखा है, बल्कि मीडियम पे है। इस टाइम पे मैं इसमें शामिल करूंगी सोया सॉस। सोया सॉस मैं भर के ये स्पून डालूंगी। सोया सॉस डालने से एक तो इसका कलर बहुत अच्छा आ जाता है और इसके जायके में बहुत सा फर्क आ जाता है और ये बहुत टेस्टी लगने लग जाता है। इसको और हम थोड़ा सा 2 मिनट और पकाएंगे और उसके बाद जो है डिश आउट कर देंगे। ये मेरी बेटी के मज़ेदार कॉर्न सूप बिल्कुल रेडी हो चुके हैं और उसके ऊपर उसने चिली सॉस और थोड़ा सा सोया सॉस मज़ीद ऐड किया है और थोड़ा सा उसने सिरका भी डाला है और अब ये बिल्कुल रेडी है। उम्मीद करती हूँ मेरी बेटी की ये फर्स्ट रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। पसंद आए तो आप इसे लाइक कीजिएगा और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसे लगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फिया मानेल्ला, अल्लाह हाफिज़।